हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सीधे आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई डिसीज होता है, डिसऑर्डर होता है, या कोई कोल्ड या इन्फ्लुएंजा होता है, तो हम ड्रग्स को लेते हैं। जब एक बार ड्रग्स लेते हैं तो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ड्रग्स क्या करता है, अपना एक्शन कैसे शो करता है? किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा वो अपने एक्शन को शो करता है। तो एक फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो ड्रग होता है वो बॉडी सेल्स के साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, जिससे उनकी जो एक्टिविटी होती है वो या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। द ड्रग इन द टिश्यू में एक्ट बाय चेंजिंग द सेल एनवायरनमेंट और चेंजेस द रेट ऑफ सेल्स फंक्शन। अब जो ड्रग एक बार टिश्यू लेवल पर पहुंच जाता है तो वो सेल के इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है, या फिर जो रेट होता है सेल्स के फंक्शंस करने का उसको चेंजेस करता है, या तो उसके फंक्शंस के रेट को इंक्रीज कर देगा या उसके फंक्शन रेट को डिक्रीज करने का काम करेगा। द ड्रग आल्सो इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ड्रग होता है वो जब बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री करता है तो क्या करता है, उसको या तो इनहिबिट करने का काम करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसको जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करेगा उसको इनहिबिट करेगा, प्रिवेंट करेगा। द ड्रग्स मे प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। ड्रग्स किसी भी तरह के फिजिकल और केमिकल एजेंट से सेल को प्रोटेक्ट करता है। द ड्रग्स मे एक्ट ऑन द सेल बाय फॉलोइंग वेज। ड्रग्स कई तरीके से अपना एक्शन बॉडी सेल्स पे शो करता है, जैसे कि स्टिमुलेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इरिटेशन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, एंटी इन्फेक्टिव हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके जो ड्रग एक्शन के बेसिक टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला जो है वो स्टिमुलेशन है। क्या होता है स्टिमुलेशन? इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द ड्रग्स इंक्रीज एक्शन और एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल्स। जब किसी पेशेंट्स को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है तो जो ड्रग होता है वो बॉडी सेल्स की, स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी को वो क्या करता है, वो उसको एनहेंस करने का काम करता है, उसके एक्शन को वो इंक्रीज कर देता है। डोपामाइन व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इट ब्रिंग्स कंसिडरेबल राइज इन ब्लड प्रेशर। जब डोपामाइन को किसी भी पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कराया जाता है तो कंसिडरेबली ये देखा जाता है कि उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा है, डोपामाइन ने उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे एड्रेनिल, वो क्या होता है, हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है। वो क्या करता है कि जो हार्ट का जो रेट है, हार्ट का रेट है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। मसल स्ट्रेंथ को, ब्लड प्रेशर और शुगर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, वो इंक्रीज़ कर देता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पिलोकार्पिन, ये क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जिससे सलाइवा का सिक्रीशन माउथ में इंक्रीज कर जाता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिप्रेशन है, देख लेते हैं क्या होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है सिलेक्टिव डिमिनिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी होता है उसमें डिमिनेशन आ जाना या उसकी एक्टिविटी में रिडक्शन आ जाना, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डिप्रेशन वो ड्रग्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को इनहिबिट करता है। द ड्रग्स एक्ट एज डिप्रेशेंट्स व्हेन दे आर एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट्स। जब भी किसी पेशेंट्स को ये ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड कराया जाता है तो ये जो ड्रग्स होता है वो डिप्रेशन की तरह एक्ट करता है। दिस ड्रग्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड कॉज डिप्रेशन। इन ड्रग्स के कारण हमारे बॉडी के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डिप्रेशन होता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो बारबिट्यूरेट्स हो सकता है। बारबिट्यूरेट्स क्या करता है, ये डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दूसरा एग्जाम्पल क्यूनिडिन हो सकता है जो कि हार्ट रेट को डिप्रेस करता है। ओमिप्राजोल डिप्रेस करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कि एक तरह के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं लेकिन क्या करते हैं दूसरे को वो डिप्रेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में एसिटाइल कोलिन है, वो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनल स्मूथ मसल को लेकिन वो डिप्रेस कर देता है सीनो आर्टेरियल नोड को जो कि हार्ट में होता है। सीनो आर्टेरियल नोड्स क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि राइट आर्टेरियम के अपर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। तीसरा पॉइंट्स इरिटेशन देख लेते हैं, क्या होता है इरिटेशन। इरिटेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि लोकली एक्ट करता है कुटिनियस या मुकोजल सर्फेसिस पे और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। सम ऑफ द ड्रग्स एक्ट एज इरिटेंट्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इरिटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। द ड्रग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट दे कॉज इरिटेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स।
जब किसी पेशेंट्स को इरिटेंट्स ड्रग्स एडमिनिस्टर कराया जाता है तो वो बॉडी की स्पेशलाइज्ड सेल्स में इरिटेशन कॉज करता है एंड प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ CTZ ऑफ द ब्रेन। और ये क्या करता है, ब्रेन में जो सेंट्रल ट्रिगर जोन होता है उसको ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड ऑफ गैस्ट्रिक मुकोजा एंड कॉज वोमिटिंग, और ये गैस्ट्रिक मुकोजा भी करता है और से वोमिटिंग भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट्स इन इन्फ्लामेशन कोरोजन नेक्रोसिस। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन के कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोरोजन और नेक्रोसिस भी हो सकता है। एंड मॉर्फोलॉजिकल डैमेज, दिस में रिजल्ट्स इन डिमिनेशन और लॉस ऑफ फंक्शंस, जिसके कारण स्पेशलाइज सेल्स की फंक्शंस में कमी आ जाती है। फोर्थ पॉइंट रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट ड्रग क्या होता है, हमारे बॉडी में कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और जब ये एंजाइम्स या हॉर्मोन्स की सिक्रीशन नहीं हो पाता है या इनकी एंजाइम्स या हॉर्मोन्स में जो सिक्रीशन होता है वो कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, और इनका फंक्शन जो होता है या एक्टिविटी होती है वो ठीक से नहीं हो पाता है, तब रिप्लेसमेंट ड्रग को दिया जाता है ताकि इनकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। द ड्रग्स मे बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट व्हेन नेचुरल अकरिंग ड्रग सब्सटेंस इज फाउंड डेफिशिएंट इन द बॉडी। इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है रिप्लेसमेंट ड्रग्स के तौर पर जब बॉडी के अंदर नेचुरल अकरिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो डेफिशिएंट हो जाता है बॉडी के अंदर, उनकी कमी हो जाती है। द यूज ऑफ सबकुटेनियस इज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में जो है इंसुलिन की कमी हो जाती है, उतनी अमाउंट में सिक्रेशन नहीं हो पाता है इंसुलिन का जितनी कि उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें क्या किया जाता है, बाहर से इंसुलिन को एडमिनिस्टर्ड कराया जाता है। लिवोडोपा इन पार्किंसन डिसीज, लिवोडोपा ड्रग्स को पार्किंसन डिसीज होने पर दिया जाता है। आयरन इन एनीमिया, एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है इसलिए उनको आयरन बाहर से सप्लाई किया जाता है, बाहर से उन्हें एडमिनिस्टर्ड कराया जाता है। पांचवा पॉइंट एंटी इन्फेक्टिव देख लेते हैं। एंटी इन्फेक्टिव वो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं जो कि किसी भी तरह की इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड को इनहिबिट करने के लिए दिया जाता है या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए दिया जाता है। द ड्रग्स आर एक्ट एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आल्सो, जो ड्रग्स होते हैं वो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स का नेचर भी हो सकता है। वी गिव एंटीबायोटिक्स टू अ पर्सन विद इन्फेक्शंस, उन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है जिन्हें इन्फेक्शंस हो। पेनिसिलिन सल्फा ड्रग्स आर गिवन टू अ पेशेंट टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस सच एज फ्यूरिंकल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। पेनिसिलिन सल्फा ड्रग्स उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फ्यूरिंकल हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से वो ग्रसित होते हैं, तब इनको दिया जाता है। सल्फा ड्रग्स क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं जिनका यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। फार्माकोडायनेमिक्स इज फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब ड्रग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एक्सप्लेनिंग बोथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। फार्माकोडायनेमिक फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है जो कि ड्रग्स की इफेक्ट को, बॉडी में जो ड्रग्स होता है उसकी इफेक्ट को ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को। द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। द एक्शन ऑफ ड्रग मे बी प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन, जो ड्रग्स का एक्शन है वो प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन भी हो सकता है। द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग्स इज द इफेक्ट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग इन द बॉडी एंड द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द ड्रग व्हेन इट इज बायो ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग और आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड इट्स मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस एक्शन इन द बॉडी। प्राइमरी एक्शन क्या होता है, मान के चलिए कोई हम ड्रग्स लेते हैं, कोई सा भी हमने ड्रग्स लिया, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाता है। अब जो बॉडी के अंदर एंट्री किया और एंट्री करने के बाद जो उसका अनचेंज्ड इफेक्ट होगा, मतलब कोई भी ड्रग्स के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा, ड्रग्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे वो प्राइमरी एक्शन कहलाता है। सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है कि जब ड्रग्स को हम लेते हैं, बॉडी में एंट्री होती है उसकी, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, ये एब्जॉर्प्शन के दौरान भी हो सकता है या एब्जॉर्प्शन के बाद भी हो सकता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, इसमें क्या होता है, द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग्स मे आल्सो एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स बाय फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व रिसेप्टर्स।
फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन जो होता है ड्रग्स का, उसमें ये अपने इफेक्ट्स को एग्जर्ट करते हैं बाय फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शंस, फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन के द्वारा जिसमें रिसेप्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एंटासिड्स डैट वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक पीएच। एग्जाम्पल के लिए जैसे एंटासिड है जो कि गैस्ट्रिक पीएच को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। चिलेटर्स डैट बाइंड टू हैवी मेटल्स, चिलेटर्स जो कि हैवी मेटल्स के साथ बाइंड करता है। इनएक्टिवेटिंग दैम एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स डैट एक्ट बाई ऑब्जॉर्बिंग वाटर इन टू द ल्यूमन ऑफ द किडनी टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। चिलेटर जो कि हैवी मेटल्स के साथ बैंड करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं उनको, और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एक्ट करता है बाई ऑब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ल्यूमन होता है किडनी का उसमें, और क्या करता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ड्रग्स विच कॉजेज सेल डेथ एंड लाइसिस, वे ड्रग्स जिनके कारण सेल डेथ होता है या सेल का ब्रेक डाउन होता है, टूटता है वो। द एग्जाम्पल इज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, के एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्केलीज। दिस ड्रग्स आर कॉल्ड कॉस्टिक्स, इन ड्रग्स को कॉस्टिक कहा जाता है। ड्रग्स विच प्रोड्यूस लोकल इन्फ्लामेशन आर कॉल्ड एज काउंटर इरिटेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लिनिमेंट्स। वे ड्रग्स जिनके कारण लोकल इन्फ्लामेशन होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, तो उसको काउंटर इरिटेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिनिमेंट्स हो गया। ड्रग्स विच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाई डायरेक्ट एक्शन आर कॉल्ड एज डिसइन्फेक्टेंट्स। वे ड्रग्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं डायरेक्ट एक्शन के कारण, वो अपना एक्शन डायरेक्ट शो करते हैं, वो डिसइन्फेक्टेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बोरिक एसिड हो सकता है, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट हो सकता है। द एक्शन ऑफ सलाइन परगेटिव इज ड्यू टू देयर ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, सलाइन परगेटिव का जो एक्शन होता है वो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। सलाइन परगेटिव क्या होता है, ये एक सॉल्ट होता है जो कि हाईली चार्ज आयंस को कंटेन करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करते हैं और ये लुमेन के बाहर ही रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, एग्जाम्पल में मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है और लैक्टुलोज हो सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स टॉक्सिन्स और पॉइजन्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड इनहिबिट्स और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो टॉक्सिन्स और पॉइजन्स जो सब्सटेंसेस होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये इनहिबिट्स करता है या डिक्रीज करता है टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब होने से। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एब्जॉर्बेंट्स, इस तरह के ड्रग्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्बेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स विच प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एक्शन बाई कॉजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स एट द सर्फेस, फॉर एग्जाम्पल मुकोजा ऑफ द गट। सर्फेस पे प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेशन बनता है, उसके कारण जो ड्रग्स होता है वो प्रोटेक्टिव एक्शन को प्रोड्यूस करता है। दिस ड्रग्स आर कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट्स, इस तरह के ड्रग्स को एस्ट्रिंजेंट्स कहा जाता है। ड्रग्स सच एज वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस देयर एक्शन बाई एंटरिंग इन टू नर्व सेल्स। वे ड्रग्स जैसे कि वोलाटाइल एनेस्थेटिक जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्शन को नर्व सेल्स के अंदर एंट्री करके, मोर द लिपिड सोलिबिलिटी मोर विल बी इट्स इफेक्ट और पोटेंसी इज कॉल्ड लिपिड सोलबल ड्रग्स। जितना ज़्यादा लिपिड सोलिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा और पोटेंसी होगा, इसलिए इसे लिपिड सोलबल ड्रग्स भी कहते हैं। एक्शन थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू जो एक्शन होता है वो देख लेते हैं। ड्रग्स कॉज सेलुलर चेंजेस लीडिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ड्रग्स के कारण सेलुलर चेंजेस होता है जिसके कारण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है। दे मे एक्ट एज रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। कॉजेज कॉजिंग और डायरेक्ट इफेक्ट, एग्जाम्पल ओपनिंग ऑफ एन आयन चैनल और रिसेप्टर्स बाइंडिंग मे एक्टिवेटर सिग्नल ट्रांसड्यूशन सिस्टम लीडिंग टू द सेलुलर रिस्पॉन्स। ये रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं जिसके कारण डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एग्जाम्पल के लिए ओपनिंग ऑफ एन आयन चैनल। रिसेप्टर्स बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम को, जिसके कारण ये लीड करता है सेलुलर रिस्पॉन्स को। ड्रग्स मे आल्सो एक्ट बाय अल्टरिंग द एक्टिविटी ऑफ ए सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्रग्स जो है वो सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक्टिविटी को अल्टर करके भी ये एक्ट करता है, और बाय एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग एंजाइम्स डैट कंट्रोल इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस, या फिर ये एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है एंजाइम्स को जो कि इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। दे मे आल्सो एक्ट ऑन डीएनए टू डैमेज इट और टू अल्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो डीएनए पे एक्ट करता है और उसको डैमेज करने का काम करता है, या फिर प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शंस को अल्टर करके अपना एक्शन एक्ट करता है। अब इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं, एक्शन थ्रू एंजाइम्स, एंजाइम के द्वारा जो एक्शन होता है।
The drug can act through enzymes and receptors produce effects. Drugs enzymes और receptors के through भी act करता है और अपने effects को produce करता है. Drug enzyme interaction is similar to drug receptor interactions. Drug enzyme interaction जो है वो drug receptor interaction के ही similar होता है. The drugs resemble the natural substrates, bind enzymes and cause the change in their activity. Drugs resemble करता है natural substrates से, bind करता है enzymes के साथ और इसके कारण की activity में changes होता है. This may take place by activation of enzymes and inhibition of enzymes. और ये ऐसा enzymes की activation के कारण और enzymes की inhibition के कारण हो सकता है. In therapeutic drugs, causing inhibition on enzymes are generally used. Therapeutic drugs में therapeutic drugs के कारण inhibition होता है enzymes पे. When the drug bind to enzymes and increase their enzymatic activity, while enzyme substrates binds and are converted to products in the normal catalytic cycle of the enzyme is known as enzyme stimulation. जब drugs enzymes के साथ bind करता है तो इसकी जो enzymatic activity होता है वो increase करता है. जबकि जब drug substrates के साथ bind करता है तो ये convert होता है products में. नॉर्मल कैटालिटिक साइकिल जो होता है एंजाइम्स के उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जो कि एंजाइम स्टिमुलेशन के नाम से जाना जाता है. व्हेन द ड्रग बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, जब ड्रग बाइंड करता है एंजाइम के साथ और इसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देता है. सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन और मेंटेन अ मेटाबॉलिक इंबैलेंस नोन एज एंजाइम इनहिबिटर. एंजाइम्स एक्टिविटी के ब्लॉकिंग के कारण पैथोजन जो होता है वो किल हो जाता है और या फिर मेंटेन करता है मेटाबॉलिक इंबैलेंस को जो कि एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है. द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स विद द एंजाइम मे बी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब जो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है एंजाइम्स के साथ वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो सकता है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? ब्लॉकेज ऑफ द एक्शन ऑफ एन एंजाइम ऑन इट्स सबस्ट्रेट बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट विद अ सिमिलर बट इनएक्टिव कंपाउंड that can combine with the active site of enzyme but that is not acted upon or split by the enzyme. It is also called selective inhibition. Enzyme के action का जो blockage होता है उसके अपने substrate पे वो replacement हो जाता है दूसरे substrate के साथ जो कि similar होता है लेकिन inactive compound होता है और ये combine कर सकता है enzyme के active site के साथ लेकिन ये ना तो act कर सकता है ना ही split हो सकता है enzyme के द्वारा, इसलिए इसे सिलेक्टिव इनहिबिशन भी कहा जाता है. इसके एग्जांपल की बात करें तो एस इनहिबिटर्स हो सकता है जिसमें कैप्टोप्रिल हो सकता है, कार्बिडोपा में लेवडोपा, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस में एग्जांपल है जैसे नियोस्टिगमाइन और फिजियोस्टिगमाइन. अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देख लेते हैं. द नॉन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स इज इरिवर्सिबल अंटिल द न्यू एंजाइम इज जनरेटेड. नॉन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है, ये तब तक इरिवर्सिबल होता है जब तक कि नए एंजाइम जो है वो जनरेट ना हो. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आर प्रोलोंग. अब जो इफेक्ट्स होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का प्रोलोंग्ड होता है, लंबे समय के लिए होता है. इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस आ सकता है जिसका एग्जाम्पल ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड हो सकता है. साइक्लोऑक्सीनेज इनहिबिटर्स में एग्जाम्पल जैसे एस्पिरिन, इंडोमिथेसिन हो सकता है. मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में जैसे एग्जांपल हो सकता है इसका इप्रोनियाजिड और फिनिलजिन हो सकता है. प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स इसका एग्जांपल जैसे ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल. अब नेक्स्ट हम एक्शन थ्रू रिसेप्टर देख लेते हैं. मोस्ट ड्रग इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स लीडिंग टू मॉलिक्यूलर चेंजेस दैट प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स. ज़्यादातर ड्रग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का इंट्रैक्शन होता है जिसके कारण मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं और गिवन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. दिस रिसेप्टर्स आर मेनली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स. और ये जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो प्रोटीन्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. बाइंडिंग इज यूजुअली रिवर्सिबल एंड अकर्स बाय लो एनर्जी फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स एंड वैंडरवाल्स बॉन्ड्स. Although a few examples of drug action associated with ionic or covalent binding are known, binding जो होता है usually reversible होता है और ये occurs करता है low energy forces के कारण जिसमें hydrogen bonds आता है, hydrophobic bonds होता है और van der Waals bonds आते हैं.
इनके अलावा भी ड्रग एक्शन के कुछ एग्जाम्पल है जो कि एसोसिएटेड होता है आयनिक या फिर कोवलेंट बाइंडिंग से। द बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग टू ए रिसेप्टर रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी एंड ऑफन स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी या प्राय स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगोनिस्ट देख लेते हैं क्या आता है अगोनिस्ट। फ्रेंड्स अगोनिस्ट, पार्शल एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, इन सबको मैंने एक अलग से ही वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सीधे वीडियो देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगोनिस्ट को। अगोनिस्ट इज अ ड्रग विच कम्बाइंस विद द यूनिट रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स इन द टिश्यूज इन विच द रिसेप्टर इज लोकेटेड। अगोनिस्ट ड्रग होता है जो कि कंबाइन करता है यूनिट रिसेप्टर के साथ और अपने रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है टिश्यूज में जिसमें रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं। अगोनिस्ट बाइंड टू ए रिसेप्टर कॉजिंग अ चेंज इन इट्स कन्फर्मेशन डेट लीड्स टू अ सेलुलर रिस्पॉन्स। अगोनिस्ट बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ जिसके कारण के कन्फर्मेशन में चेंजेस होता है और ये सेलुलर रिस्पॉन्स को लीड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाई इट्स एफिकेसी विच इज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए गिवन ड्रग कैन प्रोड्यूस एंड बाई इट्स एफिनिटी विच इज द प्रोपेंसिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड टू अ रिसेप्टर। किसी भी पर्सन को कितनी कंसेंट्रेशन में ड्रग दिया गया है और उसके रिस्पॉन्स की मैग्नीट्यूड को अगर चेक करना है, डिटरमाइन करना है, तो एफिकेसी के द्वारा किया जा सकता है जो कि मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और एफिनिटी के द्वारा भी कर सकते हैं जो कि प्रोपेंसिटी होता है ड्रग का जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ। द एफिकेसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एगोनिस्ट। अब जो एफिकेसी होता है वो एगोनिस्ट के नेचर पर डिपेंड्स करता है। फुल एगोनिस्ट देख लेते हैं। फुल एगोनिस्ट आर ड्रग्स ऑफ हाई इंट्रिंसिक एफिकेसी। फुल एगोनिस्ट ड्रग होता है जिसमें हाई इंट्रिंसिक एफिकेसी होता है। पार्शियल एगोनिस्ट आर ड्रग्स विद एफिकेसी लोअर देन फुल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट ये भी ड्रग होता है जिसमें इसकी जो एफिकेसी होती है वो फुल एगोनिस्ट से कम होता है। पार्शियल एगोनिस्ट में एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ फुल एगोनिस्ट एट सफिशेंट कंसेंट्रेशन एंड मे हैव ग्रेटर एफिनिटी देन फुल एगोनिस्ट फॉर द सेम रिसेप्टर। पार्शियल एगोनिस्ट सफिशेंट कंसेंट्रेशन में भी फुल एगोनिस्ट के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देता है और इसके पास ग्रेटर एफिनिटी होती है फुल एगोनिस्ट के मुकाबले सेम रिसेप्टर के लिए। अब इनवर्स एगोनिस्ट देख लेते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट आर ड्रग्स डेट कॉज एन इफेक्ट अपोजिट डेट ऑफ कन्वेंशनल एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट वो ड्रग्स होता है जो कि अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कन्वेंशनल एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट के अपोजिट ही अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। दिस एक्शन इज इनहिबिटेड बाय स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट फॉर द रिसेप्टर। इस एक्शन को स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट के द्वारा इनहिबिट किया जाता है रिसेप्टर के लिए। दिस एक्शन इम्प्लाइज अ टोनिक रिसेप्टर और सिग्नल ट्रांसड्यूशन एक्टिविटी इन द टिश्यू। ये एक्शन इम्प्लाइज करता है टोनिक रिसेप्टर को या फिर सिग्नल ट्रांसड्यूशन की एक्टिविटी को टिश्यू के अंदर। एन एग्जाम्पल इज RO15 4513 विच इज एन इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ द बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर। एग्जाम्पल है जैसे RO15 4513 जो कि बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर का इनवर्स एगोनिस्ट है। इट बाइंड्स टू गामा अमीनोबुटारिक एसिड रिसेप्टर्स कॉजिंग एनेक्सिटी रेदर देन सीडेशन। ये बाइंड करता है गामा अमीनोबुटारो एसिड रिसेप्टर के साथ जिसके कारण एनेक्सिटी होता है देन द सीडेशन। एंटागोनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। एंटागोनिज्म इट इज अ ड्रग विच वैन एडमिनिस्टर्ड आइदर डिक्रीज और कम्प्लीटली एबोलाइसिस द रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट। एंटागोनिज्म एक ड्रग होता है, इसको इसलिए एडमिनिस्टर्ड कराया जाता है ताकि एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर सके या फिर उसके रिस्पॉन्स को कम्प्लीटली समाप्त कर सके, खत्म कर दे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुँच जाए।